So today's topic is chapter 4, Tall Trees. It's a poetry, class 10th NIOS. With their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. So what does it mean? By saying that trees have their feet in the earth and their heads in the sky, the poet conveys to the reader that the trees are very very tall. पैर जो है वो जमीन में है, सर जो है वो आसमान की तरफ है. पोएट बता रहा है कि ट्रीज बहुत बहुत टॉल है. द पोएट लुक्स एट द टॉल ट्रीज एंड फील दैट दे आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द क्लाउड्स एज दे पास. तो पोएट आपको बता रहा है कि वो क्लाउड्स को देख रहे हैं. ट्रीज जो उनके ऊपर से क्लाउड्स पास हो रहे हैं उसको ट्रीज देख रहे हैं. और ये इसका क्या कंपैरिजन है ह्यूमन बींग्स के साथ, सिमिलैरिटी क्या है? जैसे हम हैं, हमारे पैर जमीन पर है, सर आसमान की तरफ है और हमारी आंखें दी हुई हैं, तो हम चारों तरफ देखते हैं. सिमिलरली ट्रीज जो हैं, उनकी जड़ें जो हैं, वो धरती के अंदर हैं और जो उनका टॉप है वो टूवर्ड्स द स्काई है और वो अपने ऊपर जो क्लाउड्स पास ऑन हो रहे हैं उनको वो देख पा रहे हैं. मे बी शी फील्स, शी मीन्स पोएट, सम ह्यूमन बींग्स आर लाइक द टॉल ट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड पावरफुल. क्योंकि जैसे कि हम कोई ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कुछ लोग होते हैं इस तरह जिनका बिल्डअप इस तरीके से होता है, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? दे लुक लाइक स्ट्रॉन्ग, टॉल, पावरफुल. सिमिलरली ट्रीज के लिए भी कहा गया है. और ये भी कहा गया है कि जिनके पैर जमीन पर रहते हैं, मेंटली आप ग्राउंडेड हो तो आप कैसे ह्यूमन बींग्स हो गए? हम्बल, काइंड, केयरिंग एंड ऑलवेज हेल्पफुल. सो दिस इज द सिमिलैरिटी द पोएट हैज डन ऑफ ट्रीज विद द ह्यूमन बींग्स. नाउ लेट्स कम टू द स्टैंजा 2. व्हेन द डस्क सेंस क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर देम safe in the nest. Okay, when the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. Iska matlab ye hai, poet jo aapko bata raha hai, in the evening, sham ke time, the darkening sky drives the birds to the safety of their homes in the trees. To jo sky hai, sham ho jati hai, sky ka rang thoda dark ho jata hai, तो क्या हमें, हम सबको मालूम है कि चिड़िया जो है शाम के समय अपने घोंसले में वापस चली जाती है, सेफली अपने घोंसलों में वापस चली जाती है. और नेस्ट कहाँ होते हैं ज्यादातर? ऑन द ट्रीज. इन दिस वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेल्टर टू द बर्ड्स. तो नेचर की बात हो रही है, नेचर मीन्स द स्काई, द ट्रीज, दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर कि बर्ड्स को सेफली उनके नेस्ट तक वो पहुंचा देते हैं. एंड द लास्ट स्टैंजा सेज, एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट इज स्लीपिंग. सो इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, पीपिंग मतलब झांकना, छुपकर जब हम किसी को देखते हैं, the moon shines down on a world that is sleeping. रात में सब सो जाते हैं तो मून की रोशनी जो है वो नीचे तक आ रही है. Evening changes into the night and by the light of the moon the trees stay awake. हम सो जाते हैं लेकिन trees जागते रहते हैं to keep a watch over the world as it sleeps. तो trees क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं सबको. ओके, नजर रख रहे हैं सब लोगों पर जो सो रहे हैं. द पोएट सीज द टॉल ट्रीज एज आर प्रोटेक्टर्स एंड गार्जियंस इन हूज केयर वी कैन स्लीप सेफली एंड साउंडली विदाउट एनी वरीज. तो ट्रीज किस तरह से, पोएट कहना चाह रही है कि ट्रीज हमारे प्रोटेक्टर्स की तरह हैं, प्रोटेक्टर्स जो हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे गार्जियंस की तरह हैं और वो हमको इतना सेफली रख रहे हैं कि हम आराम से रात की नींद
कंप्लीट कर पाए विदाउट एनी वरीज. सो दिस वॉज द पोएट्री टॉल ट्रीज. थैंक यू.